खेसारी लाल यादव की गाड़ी का पिछले दिनों एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट की वीडियोस हमने आपको दिखाई थी। खैर, अब उस एक्सीडेंट की वीडियो का बवाल हो चुका है, खेसारी बुरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं। जी हाँ, अभी रितेश पांडे से पीछा छूटा ही था कि खेसारी अब बुरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं अपने उस एक्सीडेंट वाले वीडियो को लेकर। आपको बता दें कि खेसारी के उस एक्सीडेंट में खेसारी की जो गाड़ी की हेडलाइट थी पीछे वाली, वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, डैमेज हो चुकी थी। हाँ, ये बात और है कि गाड़ी में बैठे किसी को भी किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन खेसारी लाल यादव जिस तरह से ड्राइवर को धक्का देकर गाड़ी को दिखाने लेकर आते हैं, उसके बाद ये बुरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि खेसारी को महाराष्ट्र में रहने का हक नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या हम ये सारी खबर मनगढ़ंत बना रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि बॉलीवुड के एक बहुत ही बड़े हिंदी चैनल ने इस तरह की वीडियो चलाई और उसमें सबकी राय मांगी। तब बहुत सारे लोगों ने अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया और वो कमेंट ऐसे जो खेसारी लाल यादव को शर्मसार कर दे। वहाँ पर ये तक कहा गया, खेसारी लाल यादव को बात करने की तमीज़ नहीं है, पैसे से किसी का क्लास नहीं आ जाता, वगैरह वगैरह। अब आपको हम उस वीडियो के कुछ स्क्रीनशॉट दिखाते हैं जहाँ पर लोगों ने खेसारी को बुरी तरह से ट्रोल किया है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा।